हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा अपने स्कूटर पर पहुंचे हैं। बता दें कि बजट सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल विधानसभा पहुंचे। सभी विधायकों ने 3 कृषि कानूनों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। हाथ में किसानों के समर्थन की तख्तियां लेकर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को फौरन किसानों की मांग मानते हुए तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए, साथ ही एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा स्पीकर ने नियमों के विरुद्ध जाकर इस विधेयक को खारिज किया है। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस विधेयक को खारिज किया है, जबकि माननीय कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। इसी को लेकर हमारे विशेष संवाददाता सौरभ शर्मा ने कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक शमशेर गोगी, पूर्व शिक्षा मंत्री मौजूदा विधायक गीता भुक्कल, कांग्रेसी विधायक आफताब अहमद, कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा व कांग्रेस विधायक शकुंतला खटकर से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे विधानसभा की तरफ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के सभी जो है नेताओं को साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना है इनका जी? हुड्डा साहब आपके दिन और क्या मुद्दा रहने जो अच्छी बात होगी अच्छा कहेंगे और जो कमी होगी उसको जनता के हित में किस प्रकार का उम्मीद है आपको किसानों के लिए बजट में कोई उम्मीद है आपको देना चाहिए? हालात ऐसे हैं लेकिन सरकार से उम्मीद कम है। गठबंधन की सरकार की विफलताओं को किस तरह से देख रहे हैं? नौ कॉन्फ्रेंस से आपके सामने आएगा और आज उसकी विफलताओं के विषय तो हम जा रहे हैं। तो ये थे मेरे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं, सभी विधायकों के साथ विधानसभा की कूच कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है ये आज जो है विधानसभा में देने जा रहे हैं। कितना असर रहेगा अविश्वास प्रस्ताव का, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस, चंडीगढ़। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या रणनीति रही है, इनकी बजट को लेकर क्या रणनीति थी? मैम देखिए अविश्वास प्रस्ताव है इस समय जनप्रतिनिधियों का, ये जो है विश्वास सरकार खो चुकी है, जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। हम लोग चाहते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर इसकी चर्चा भी हो कि जिस तरह से हमारा किसान आंदोलनरत है, बेरोजगार युवा हमारे धक्के खा रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो यही सब कारण है जिसको लेकर हम लोग विरोध स्वरूप आज निकले हुए हैं। तो मैम कितना असर रहेगा आपके अविश्वास? देखिए पूरी चर्चा करेंगे और हम उम्मीद है कि जो विधायक जो हैं पक्ष में होंगे किसानों की मांगों के, वो हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। जी तो ये थे मेरे साथ गीता भुक्कल, जिन्होंने बताया कि जो विधायक बीजेपी के किसानों के पक्ष में होंगे वो कांग्रेस का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस, चंडीगढ़। फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा विधानसभा में स्कूटी पर आए हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्यों ये स्कूटी पर आए हैं और इन्होंने स्कूटी जो है क्यों खरीदी है। जी नमस्कार साहब, मैं चंडीगढ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता जाता हूं और यहां पहले हम पैदल चल लेते थे या अपना ओला उबर से काम चलाते थे। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार हो रहा है, शतक पूरा कर चुका है। ओला उबर भी इतनी महंगी हो गई है, तो जिसको सोचते हुए मैंने ये सिक्योरिटी पे आने जाने का निर्णय लिया है। विधायक जी इससे पहले भी आप अपनी सुरक्षा और फ्लैट जो है सरकार को वापस लौटा चुके हो और अब जो है आपने सरकारी गाड़ी लौटाकर स्कूटी से आने लगे हो, क्या आप पेट्रोल और डीजल के दाम का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये भी एक कारण है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और दूसरा मेरा ये मानना है जिंदगी में आपको जिस चीज़ की आवश्यकता ना हो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारा यहाँ परिवार रहता नहीं, हमने 6-6 कमरों के मकान का क्या करना। एक हमको स्पीकर साहब को हमने रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने कमरा अलॉट कर दिया, उसी में अपना बढ़िया काम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से कम खर्चे में ही आदमी को गुजारा करना चाहिए। इससे पहले भी आप रोडवेज की बस में आते रहे हो, सुरक्षा आपने लौटा दी, फ्लैट आपने वापस दे दिया, सरकारी गाड़ी से ना आकर के आप स्कूटी पे आए हो, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये राजनीति स्टंट नज़र आता है नीरज शर्मा का। मैं तो चाहूँगा पूरी दुनिया को ये स्टंट करना चाहिए। अगर जो गनमैन लौटाना स्टंट है तो जिनको ज़रूरत नहीं है ज़रूर लौटाने चाहिए। हमारे को एक सिपाही 1.5 से 2.25 लाख का पड़ता है, ये हरियाणा की जनता पर ही बोझ है। ये जो फ्लैट हमको 6-6 कमरों के मिलते हैं, 100 रुपये किराए पर मिलते हैं मात्र, बाज़ार में आज 2 लाख में ना मिले ऐसा फ्लैट।
अगर जो लोग इसको स्टंट मानते हैं तो मैं समझता हूँ सबको, हम सब चुने हुए जनप्रतिनिधियों को स्टंट अपनाना चाहिए जिसमें जनता के पैसे का हित हो, सुरक्षा हो और बचाव हो। बजट सेशन को लेकर क्या है मुद्दे रहेंगे आपके? बजट सेशन को लेकर मेरे NIT 86 के, फरीदाबाद के और भ्रष्टाचार के, स्थानीय निकाय को लेकर मुद्दे हैं मेरे। जी, तो ये थे मेरे साथ विधायक नीरज शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि सकूटी से जो आज मेरा आने का जो मकसद है वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, इसलिए जो है मैं आज सकूटी से विधानसभा में पहुंचा हूं। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस, चंडीगढ़। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चंडीगढ़ में शुरू हो चुका है। सचिवालय चौक से विधानसभा कूच करने के लिए विधायक सभी जो हैं निकल पड़े हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सभी विधायक जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में विधानसभा की तरफ अविश्वास प्रस्ताव जो है देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मेरे साथ यहां पर कुछ कांग्रेसी विधायक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कहना है इनका अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। जी, शकुंतला खटकर जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात जल्दी 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 जी। आज किसानों के समर्थन में प्रदर्शन है, किसानों के समर्थन में प्रदर्शन है, काफी टाइम से बेचारे किसान अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, अविश्वास प्रस्ताव भी दे रखा है उसके बारे में। तो ये थे मेरे साथ शकुंतला खटकर जी, जिन्होंने कहा है किसानों के समर्थन में जो है आज विधानसभा कूच करेंगे और सचिवालय चौक से जो है विधानसभा की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद जी, इनसे बात करेंगे। आज हरियाणा में जो मौजूदा गठबंधन सरकार के विफलताओं की वजह से आज अविश्वास है, उसके लिए आज सारे हम, चाहे वो कृषि कानून को निरस्त करने की बात हो चाहे और अन्य मुद्दे हों, उसके लिए आज अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। और ये जो मार्च निकाली गई है ये भी किसानों के समर्थन के लिए और कांग्रेस के जो जी। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेसी विधायक, जिन्होंने बताया कि सरकार की, गठबंधन सरकार की विफलताओं को लेकर जो है कांग्रेस विधानसभा की तरफ कूच कर रही है और जितने भी विधायक जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में विधानसभा की तरफ यह कूच कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव जो है सदन में दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस, चंडीगढ़। सचिवालय से विधानसभा की तरफ कूच कर रहे विधायकों में शमशेर सिंह गोगी मेरे साथ मौजूद हैं। शमशेर सिंह गोगी जो हैं असन से विधायक हैं, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। जी गोगी साहब, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो जो सरकार है तानाशाही सरकार, उसकी पोल खोलने के लिए और जो किसानों के तथाकथित समर्थक विधानसभा में सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, जो रोज बयान दे के एक झूठी वाहवाही जीतने के लिए कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो महंगाई के खिलाफ हैं कि नहीं, या उनकी जमीर बिक चुकी है या मर चुकी है। अब वो इस अविश्वास प्रस्ताव में सब कुछ खुल के सामने आएगा, इसकी पोल भी खुलेगी और असली और नकली का पहचान भी हो। गोगी जी, बजट सत्र जो है शुरू हो चुका है, जनता के हित में कितना अच्छा बजट आ सके इस चीज़ को लेकर आपने क्या रणनीति बनाई है और किस तरह का हंगामा जारी रहेगा? इस काली नीयत वाली सरकार से आप उम्मीद करते हो कि अच्छा बजट आएगा, मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि अच्छा बजट नहीं आएगा। तो ये थे मेरे साथ शमशेर सिंह गोगी जी, जिन्होंने कहा है कि बजट से किसी प्रकार की कोई आशाएं नहीं है, बिल्कुल विफल बजट जो है हरियाणा सरकार द्वारा लाया जाएगा। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस, चंडीगढ़। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक